अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप तमाम हजरात खैरियत से होंगे। अल्लाह से दुआ है जहाँ भी आप हैं अल्लाह आपको खुशी और सलामती के साथ महफूज रखे। दोस्तों आज आप हजरात की खिदमत में ख्वाब में सैलाब आते देखना या सैलाब में पानी वगैरह में बह जाने की ताबीर क्या होती है ये बयान करने वाले हैं। ख्वाब की ताबीर का सिलसिला शुरू करने से पहले आपसे एक दरख्वास्त ये है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आप हमारी ये वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक और शेयर कीजिए, हमें फेसबुक पर भी फॉलो कीजिए। आइए ख्वाब की ताबीर का सिलसिला शुरू करते हैं। पहला ख्वाब है ख्वाब में सैलाब आते हुए देखना। किसी ने ख्वाब में सैलाब आते हुए देखा है तो इसकी ताबीर यह है कि अगर सैलाब का पानी सफ़ेद है और ख्वाब देखने वाले को उस सैलाब आने से कोई खौफ भी नहीं है, किसी तरीके की वो परेशानी भी महसूस नहीं कर रहा है, डर नहीं रहा है, तो फिर इसकी ताबीर यह है कि अल्लाह ताला की जानिब से अल्लाह की रहमत नाजिल होगी। और अल्लाह की रहमत से मुराद ये है कि बारिश का नुजूल होगा और वो बारिश लोगों के लिए मखलूक के लिए बहुत फ़ायदेमंद सूदमंद साबित होगी और बहुत सारी खुशियों का ज़रिया बनेगी। दूसरा ख्वाब है सैलाब में बह जाना। किसी ने ख्वाब में देखा कि वो सैलाब आया और उसमें बह गया है तो फिर इसकी ताबीर ये है कि ख्वाब देखने वाला मुसीबत में गिरफ्तार होगा, और मुसीबत में जिस वक्त गिरफ्तार होगा तो बेयारो मददगार होगा, यानी किसी को अपना मुआविन हेल्पर और मदद करने वाला भी नहीं पाएगा, इसका कोई तआवुन भी नहीं करेगा, इस तरीके की मुसीबत में ये गिरफ्तार होगा। उम्मीद करता हूँ आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। दुआओं की दरख्वास्त हैं, फिर मिलेंगे इंशाअल्लाह किसी नई और अच्छी वीडियो के साथ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।